शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वबिही नस्तईन, वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन वअला आलिही वअसहाबिही अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज एक और कायदा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल असलु फिल अराज़ी التحريم الأصل في الأعراض التحريم। ये सब याद रहना, ये जो कवायद हैं ये सब याद रहना। ये कवायद फिकिया लिख लीजिए आप लोग। हाँ, के नहीं तहत आता ये। हाँ जी, ये कवायद कुबरा में नहीं आता। ये अल यकीन ला यज़ुलु बिशक के तहत आता ये। हाँ, वही बतलाने जा रहा था मैं, आप लिख लीजिए, बतलाता हूँ। अल असलु फिल आराज़ी التحريم الأصل في الأعراض التحريم। बोल के लिखे। बोलेंगे लिखेंगे फिर आपको याद हो, जल्दी याद होगा। हाँ, في الأعراض हो गया। देखिए, पिछले दिनों से अल यकीन ला यज़ुलु बिशक के तहत हम लोग काफ़ी कायदे पढ़े हैं। अल असलु बकाउ माकान अला माकान, अल असलु फिल अशिया अल इबाहा, अल असलु फिल इबादत अल हज़र, और अल असलु फिल अवज़ाया तहरीम, अल हकीका, अल असलु ने वो हो गया एक और। हाँ, तो इन सब का ताल्लुक अल यकीन ला यज़ुलु बिशक से क्या है वो भी मालूम करके, मालूम है ना वो, यानी मतलब ये कि जैसे मिसाल के तौर पर अल असलु फिल इबादत अल हज़्र है, उसमें जैसे कि इबादत में असल क्या है, हज़्र, मना, जब तक करने की दलील नहीं आ जाती। मतलब ये कि अल यकीन ला यज़ुलु बिशक से उसका ताल्लुक क्या है, जिस तरीके से आदमी असल पे बाकी है, यकीन, समझ रहे ना, असल शक नहीं है, असल यकीन है, आदमी शक को छोड़े यकीन में बाकी रहे। तो अल असलु फिल इबादत अल हज़्र में जब ये बात मालूम हो जाएगी कि असल चीज़ यही है कि हमको इबादत नहीं करनी चाहिए जब तक कि करने का हुक्म ना दिया जाए, तो हम असल पे बाकी रहे। जो असल पे नहीं है, कुछ ना कुछ इबादत कर रहा, हम उसको रोकेंगे
क्यों, क्या मकसद है इस वक्त ये बात करने की, इस तरह की बात करने की? बात वाजी हो गया आपको? हम आप क्यों नहीं कर रहे, हम असल पे बाकी हैं। असल यही है कि हाजिर हम कोई इबारत पढ़ते हैं अरबी जुबान में, बिलखसूस कुरान मजीद में। अगर कोई बोले कि यहां पर ये नहीं ये माना है, तो हम यही बोलेंगे कि अरबी जुबान का ये लफ्ज है, यहां पर यही माना होगा। क्यों? इसलिए कि हम असल पे बाकी हैं। असल क्या है कलाम में? मजाज है कि हकीका है? हकीका, गोया कि हम असल पे बाकी हैं, यकीन पे। अल असल फिल अब्जाय अत्तहरीम, अब्जा के मामले में हम हुर्मत की बात करते हैं। क्यों? हम असल पे बाकी हैं। तो किसी भी चीज में असल पे बाकी रहना जब तक कि वो दूसरा मामला नहीं आ जाता। ये बात आज होगी आपको अच्छी तरीके से। असल को छोड़ देंगे फिर आदमी, जैसे इबादत का मामला है, मोटे अंदाज में समझने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे चाहे इबादत की जा रही है, जैसे चाहे उसके अंदर तसन्नो और बनावट बनावटी चीज़ें आती जा रही हैं, और इबादत के नाम पर सब कुछ हो रहा है, क्यों असल पे बाकी नहीं है? असल जो अलहज़र है उस पर बाकी नहीं है? उस पर बाकी होते तो इतना सब काम नहीं होता। तो हर मामले में यही बात है। अल असल फिल अशिया अलिबाहा, आप ये चीज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं असल पर बाकी हूँ। जब तक कि हुर्मत की दलील लेकर आइए, तो असल पे बाकी रहना है बड़ी अहम चीज़। वो जब तक कायदा नहीं मालूम होगा फिर तो उस पर अमल नहीं हो सकता। उसके ज़रिए से शरीयत की कुशादगी भी मालूम होती है, और फिर आदमी असल पे बाकी रह सकता है, यकीन पे रह सकता आदमी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं असल पे बाकी हूँ, और असल पे बाकी रहने की वजह से आदमी को यकीन हासिल रहता है। अल यकीन ला यज़ुलु बिशक के तहत जो कवायद आ रहे हैं, वो है कि आदमी को असल पर रहना चाहिए। एक मुसलमान को बात समझ में आ गया आपको अच्छे से? हाँ, इसमें भी वैसे ही अल असलु फिल आराज अत्तहरीम, आदमी को असल पे रहना चाहिए। ये कायदा पड़ेगा जी इंशाल्लाह। इसका ताल्लुक एक हमारे मुआशरे से ख़ास है, हमारे मुआशरे से मुतालिक इस कायदे की बनाने का क्या मकसद है वो भी आगे बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। बतला रहा हूँ। अल आराज क्या माने अल आराज के? मुँह मोड़ना, वो एराज है, ये आराज है। एराज के माने क्या है? मुंह मोड़ना, किसी से एराज करना। फैन थोड़ा कम कर दिए। एक है एराज, एराज करना, वो भी कुरान मजीद में है एराज। एक है आराज, इसके माने जानेंगे। आराजा के माने आते हैं अर्ज करना, पेश करना। खासकर मुशायरे में ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है। अर्ज कीजिए, ये अर्ज किया है, इसके माने आते हैं पेश करना। अल्लाह सुभान व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक फरमाई, आगे थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर मलाइका पर आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। सूरह बकरा में ही देखिए, गालिबन आयत नंबर 21-22 कुछ है, मारूफ आयत करीमा है, जो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद फरिश्तों के पास जो भेजा गया। तो आराजा के माने आते हैं पेश करना, और आराजा के माने आते हैं मुंह मोड़ना। कुरान मजीद में ये लफ्ज बदल बदल के इस्तेमाल हुआ है, और उसके अलग अलग माने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आरिज, क्या माने? बादल के। कुरान मजीद में बादल के माने में भी इस्तेमाल हुआ है आरिज। सूरह अल अहकाफ में, वहां पर देखिए सूरह अल अहकाफ में आयत नंबर 24, فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم, أوديتهم उनके वादियों की जानिब, मुस्तकबिल आ रहा था, सामने से आ रहा था, जब वो सामना कर रहे थे। आयत नंबर 24 सूरतुल अहकाफ में, और सूरतुल अहकाफ का नंबर है 46। तो वहाँ पर आरिज के माने बादल के। आर्ज एक और माने में भी इस्तेमाल होता है, तूल के जिद में। एक लफ्ज है तूल,
इसका जिद आता है अर्दुन, क्या माने? लंबाई चौड़ाई, यानी वजन्नतिन अर्दुहा का अर्दु समावाति वल अर्द, अर्ज के माने क्या है? चौड़ाई। तो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमारे मौजू से मुताल्लिक इस कवायद फिकिया में, इस कायद फिकिया से मुताल्लिक अर्ज आराजा के माने जो पेश करने के हैं वो असल है। आराजा के माने पेश करना। तो एक लफ्ज है अर्दुन, उसकी जमा आती है अराज़ुन, जो ये है एराज नहीं बोलना, अगर एराज पढ़ देंगे तो फिर आराज से एराज हो जाएगा वो। आराज फर्क है दोनों में, एक है एराज एक है आराज, वो यही है अर्दुन अराज़ुन, अर्दुन अराज़ुन ये इसम है ये, और जो एराज है वो मजदर है फेल से अराज़ा युअरिदु एराज़न, मुंह मोड़ना, जैसे अकरमा युक्रिमु इकराम, अस्लमा युस्लिमु इस्लाम, आमना युमिनु ईमान, वैसे ही अराज़ा युअरिदु एराज, वो माने मुंह मोड़ने के, लेकिन ये इसम है ये अर्दुन अराज़ुन जो यहां इस्तेमाल हुआ। الاصل في الاعراض التحريم اعراض کے یہاں پر معنی ہے کسی بھی شخص کی عزت و آبرو، کسی بھی شخص کی عزت آبرو اس کی ناموس۔ कैसे इस माने में आया ये? इब्न मंजूर रहमतुल्लाह लिसानुल अरब में इस लफ्ज की जो तफसीलात हैं उसमें वो लिखते हैं कि आराजा के माने पेश करना। तो अर्दुन अराज़ुन के माने इज्जत व आबरू के माने कैसे लिए गए, इस एतबार से कि आदमी पर ऐसे मामलात पेश किए जाते हैं कि आदमी आजमाइश में मुब्तला हो जाता है, परेशानियों में घिर जाता है, जैसे कोई उस पर इल्ज़ाम लगा दे, कोई उसके पर इत्तेहाम बांध दे, कोई उसके पीछे गीबत करे, तो गोया कि उसकी आराज उसकी इज्जत पर गोया कि हमला हो रहा है, उसकी इज्जत पर जो है ऐसी चीज़ें पेश की जा रही हैं जिसकी वजह से उसे तकलीफ होती है, यहाँ से वो माना आया। समझ में आया बात आपको? आराज के माने इज्जत आबरू के कैसे आए समझ में आए? यानी आराजा के माने पेश करना, किसी भी शख्स की इज्जत पर ऐसी चीजें पेश करना कि जिसकी वजह से उसकी इज्जत जाती रहे, ऐसे मामलात उसके ऊपर पेश किए जाते हैं, ऐसा मामला उस पर पेश किया जाता है किसी भी शख्स की इज्जत पर जिसकी वजह से उसकी शख्सियत दागदार हो जाती है, उसकी शख्सियत दागदार के बजाय ये कहना ज्यादा बेहतर रहेगा कि मुत्तहम हो जाती है। जैसे अमूमन मुत्तहम समझने के लिए अब दौरे हाजिर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे जेल वगैरह में एक आदमी को बतौर मुलजिम के लेके जाते हैं, उसमें यही बात होती है ना कि आदमी पर बस एक इल्ज़ाम लगा है, अभी जो है यानी ये बात तय नहीं हो चुकी है कि ये वाकई मुजरिम है, बस ये बात है कि इसके ताल्लुक से एक तरह की शिकायतें आई हैं, अब उसकी जाँच होने के बाद तब मालूम होगा कि वाकई आदमी मुजरिम भी है करके। तो मुत्तहम कहते हैं ऐसे शख्स को जिस पर इत्तेहाम बांधा जाता है, इल्जामात लगाए जाते हैं। तो आराज ऐसी चीजें जो किसी भी शख्सियत पर उसकी इज्जत पर पेश की जाती हैं जिसकी वजह से वो यानी मुसीबतों में घिर जाता है। हुरमत भी उसी माने में इज्जत, तोहमत हुरमत, हुरमत भी उसी माने में, मैं हुरमत समझा, हुरमत भी उसी माने में इज्जत हुरमत तोहमत वगैरह सब वही है। लेकिन बात तो समझ में आ गई ना, आराज इज्जत आबरू कैसे करके। तो अल असलु फिल आराज अत्तहरीम, आराज के मामले में, आराज के मामले में किसी की शख्सियत इज्जत आबरू के मामले में असल चीज हुरमत, असल जैसे फिलहाल हमारे माशरे में असल क्या है? असल जो है हुस्न ज़न नहीं है, असल जो है बदज़नी है,
किसी भी शख्स से मुतालिक असल चीज़ क्या होती है? बदज़नी होती है जब तक कि उसके ताल्लुक से अच्छे मालूमात नहीं मिल जाते। ऐसा ही है ना अभी, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। लेकिन वो उसकी तफसीलत कुछ है, मैं बताता हूँ आपको इंशाल्लाह। अल असलु फिल आराज़ अत्तहरीम, किसी भी शख्सियत के सिलसिले में, जैसे मिसाल के तौर पर कोई अजनबी आदमी है, जैसे अननोन बोलते हैं कोई भी, क्या हम नहीं जानते कौन है वो, तो ऐसी सूरत में असल मामला यही होगा कि हम उसके ताल्लुक से अच्छा ही ख्याल रखें, कोई इल्ज़ाम ना धरें। उसके ताल्लुक से कोई मालूमात हमें मिल जाए, ठोस मालूमात किसी सिखा आदमी के ज़रिए से, किसी सच्चे आदमी के ज़रिए से, कि उसके अंदर ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ है, तो फिर वो किस हद तक कबूल करेगा, किस हद तक उसके ताल्लुक से जहन में अपने ख्याल में उसके ताल्लुक से शख्सियत लेकर आएगा, वो तफसीलत में आगे बताऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन असल तो मालूम करके रखना। अल असलु फिल आराज़ी अत्तहरीम, इसकी जो दलाइल है, ये अल आराज़, ये लफ्ज़ भी नबवी लफ्ज़ है। ये नहीं, जब तक एक शख्सियत है, मिसाल के तौर पर बेशुमार लोग मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, बिलखुसूस गैर मुस्लिमीन की नहीं। मुसलमानों में से कोई भी मुसलमान क्यों ना हो, जब हम उसको अव्वल वाहला में देखते हैं, पहली सूरत में उसके ताल्लुक से अच्छा ख्याल ही, उसके ताल्लुक से हुस्न ज़न ही कि ये मुसलमान है, ये दीनदार है, ये अच्छा शख्स है वगैरह, जैसे जैसे उसकी चीज़ वाज़ेह होती जाती रहती है, उसके ताल्लुक से आपका ख्याल उसके ताल्लुक से क्या होता है, कितनी इस्लाह की ज़रूरत पड़ती है, कितना आप उसे नेकी का हुक्म देंगे, कितने उसकी ये सब करेंगे, सब कुछ है इसके ताल्लुक से। तफसीलात हैं ये, सिर्फ आदमी के अखलाक और अतवार ही से नहीं, आदमी का दीन, उसकी दयानतदारी, फिर उसके अफकार, सब 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 चीज़ें। बस समझ में आ रही आपको, मैं तफसील से बताऊँगा इंशाल्लाह ये कायदा क्यों बनाया गया, मुसलमानों के साथ बाहम ताल्लुकात के लिए कितना रोल है इस कायदे का, मैं आगे बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, इसकी जो असल है, जब हम बोलते हैं ना असल, असल भी काफ़ी मानों में इस्तेमाल होता है। जब हम बोलते हैं इसकी असल क्या है, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कायदा पेश करूं कि आराज़ में असल क्या है, तहरीम। आराज़ में असल क्या है? तहरीम। इबादात में असल क्या है? अलहज़्र। वैसे अशिया में असल क्या है? जी मुबाह। तो वहाँ पर असल किस माने में? यकीन। यानी यकीन का मतलब है कि ठोस बात, आप असल पे बाकी हैं, बुनियाद पे बाकी हैं, आप उसकी जो असल है उस पे बाकी हैं, जब तक कि कोई दूसरी बात नहीं आ जाती जो उसके मद्दे मुकाबिल असल की हैसियत रखती हो। वैसे ही असल एक और माने में भी इस्तेमाल होता है, दलील के माने में। किस माने में? दलील के माने में। मिसाल के तौर पर मैं कोई बात पेश करूं और बोलूं कि इसकी असल वो आयत करीमा है, इसकी असल वो हदीस है, इसकी असल वो कायदे फिकिया है, जिसे बोलते ना, बस समझ आ रहे आपको, असल भी काफ़ी मानों में इस्तेमाल होता है। तो अभी जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको, इस कायदे की असल क्या है, मतलब क्या है, दलील, इस कायदे की दलील क्या है, समझ में आ गई बात? कभी कभार ऐसा होता है, बहुत सारी बातें आ जाती हैं, कोई फिक्र में पेश करता हूँ, कोई बात में पेश करता हूँ, सामने वाले आप सवाल करें कि जो है आप जो बात पेश कर रहे हैं उसकी असल क्या है, नहीं किस बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई दलील भी है क्या, तो उसकी असल क्या है उस माने में, बस में आ गई। तो इस कायदे की असल क्या है, वो सूरह हुजरात की आयत करीमा है, मारूफ आयत करीमा। आयत नंबर सूरह हुजरात का सूरह नंबर है 39 पर 9, आयत नंबर है 11। क्या हुआ? अच्छा अच्छा अल्लाह ताला ने फरमाया, ये आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12 दो भी, या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला यस्खर क़ौमुन मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन
عَسَىٰ أَن يَكُنَّا خَيْرًا مِّنْهُنْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی قرآن کی جو تعبیر ہوتی ہے بہت ہی دقیق ہوتی ہے, بہت دقیق تعبیر قرآن مجید کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا, یہ اہل ایمان کہہ کر کے گویا کہ ان کی ایمانی غیرت کو گویا کہ ایک جگانا مقصود ہوتا ہے. ہاں ہاں ہاں, اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہود و نصارہ ان کے اندر اخلاقی دینی ہر اعتبار سے خرابیاں ہیں, ان کی اصلاح کے لیے جگہ جگہ پر اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب, گویا کہ یعنی ان کو یہ بات بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ تم معمولی درجے کے لوگ نہیں تھے کسی زمانے میں, کتاب سے تمہاری وابستگی ہے, کتاب سے تمہارا تعلق ہے, کتاب سے اپنا تعلق رکھ کر کے تم ایسا کرتے ہو کیا, سمجھ رہے نا, اے اہل کتاب یا بنی اسرائیل, یعنی اسرائیل کی جانب تم اپنی نسبت کرتے ہو, ایک پاکیزہ شخص ایک نبی ان کی جانب ان کی اولاد ہو اور ان سے تمہارا تعلق ہے, ان کی تم نسل ہو, تو تمہارا کردار وہ قرآن مجید کا اسلوب ہے وہ, یا بنی اسرائیل ان کی جو ہے اندرونی جو جو غیرتیں جو ہوتی ہیں انسان کی اس کو جو ہے جگانا مقصود ہوتا ہے, یا بنی اسرائیل سب وہی مقصد ہے اس کا, یا اہل کتاب یعنی حالانکہ کتاب سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا نا ان کا, تحریف سب ہو چکی ہے پھر بھی یا اہل کتاب یا بنی اسرائیل وغیرہ وغیرہ. جی یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. قوم سے مراد یہاں پر یعنی مرد مراد ہیں, قوم سے مراد مرد مراد ہیں, حالانکہ قوم الاصل فی الکلامی الاصل فی گزشتہ گزشتہ کلاس بول رہا ہوں, گزشتہ سال کی کلاس نہیں گزشتہ ہفتے کی کلاس. ہاں جی الاصل فی الکلامی الحقیقہ الحقیقہ الاصل فی الکلامی الحقیقہ, قوم کی جب اصل جو ہے جو حقیقی معنی ہے صرف مرد ہیں کیا, نہیں ہم مجازی معنی نہیں لے سکتے نا, مجازی معنی کیوں لے رہے, اس لیے کہ وہاں ضرورت ہے, اس لیے کہ آگے نساء کہا گیا الگ سے کہا گیا نساء کو, سمجھ رہے بات سمجھ رہے ہیں آپ. جی یعنی ہم اصل معنی ہی لیں گے حقیقی معنی ہی لیں گے مجازی معنی نہیں لیں گے جب تک کہ مجازی معنی لینے کی ضرورت نہ پیش آ جاتے. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, بڑی معروف آ رہا ہے آیت کریمہ ہی, ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم, لمز اور حمز دو الگ الگ لفظ ہیں, ایک ہے لفظ حمز ایک اور ہے لمز, اردو میں بھی ایسے کہا جاتا ہے کہ حمز اور لمز نہیں ہونا چاہیے, حمز اور لمز, حمز اور لمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی حمز ایسے کسی کی برائی بیان کرے ایسے کسی کی خرابی بیان کرے یا جیسے نہیں کیا بولتے ہیں اس کو ایک زبان سے پھر یا جو ہے چہرہ بنا کر کے یا آنکھ مچولی کر کے جیسے ہوتا نہیں ان کو دیکھو اشاروں کے ذریعے سے, لیکن اشاروں کے ذریعے سے مطلب کہ اس کا تعلق اس کے چہرے سے ہوتا ہے, چہرہ بگاڑ کے پیش کرنا یا آنکھوں کے ذریعے سے آنکھیں ادھر ادھر گھما کے کرنا یا چہرے کا منہ بگاڑ کے کسی کے تعلق سے بتلانا, کسی کے عیب جوئی کرنا, سمجھ رہے ہیں, معلوم ہو جائے کہ وہ اس کی برائی بیان کر رہا ہے. حمز لمز یہ اس سے بھی بدتر چیز ہے جس سے خود آدمی کی اس کے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں, اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے کرنے والے کی. لمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے چلنے کو چل کے دکھائے, اس کا ٹھٹا اڑانے کے لیے مذاق اڑانے کے لیے, ویسے اپنے جسم کے ذریعے سے اپنے اعضاء کے ذریعے سے ایسی حرکتیں کرے جو کسی کے خاص حرکتیں ہوتی ہیں, یہ تو اس شخص کی سب سے بدترین کیفیت ہوتی ہے, اس کے اپنے حیثیت گر جاتی ہے معاشرے میں. بس سمجھ میرے دونوں میں آپ کو, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, ایک ہے حمز ایک ہے لمز. قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے, اللہ تعالی نے فرمایا ولا تلمزوا, تم لمز نہ کرو کس کو,
किसको? अनफुसकुम, नफ्सुन की जमा अनफुस, गोया के नफ्स बोलते हैं इंसान की जान को। अल्लाह ताला ने कहा ला तलमिजू अनफुसकुम, मैंने अपने नफ्सों की, अपने नफ्सों की तुम लम्ज ना करो, अपने नफ्सों की आयबजोई मत करो। यानी गोया कि उम्मत मुस्लिमा एक जान है, एक जिस्म की तरह है, तो गोया कि तुम किसी मुसलमान की तो तुम लम्ज करते हो, तो गोया तुम अपने आप को कर रहे हो। वो शोर आना चाहिए, ये वही आदमी करेगा जो वाकई एक मुसलमान से अलाहिदा इख्तियार, अलाहिदगी इख्तियार करेगा। इसलिए कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने तलमिजू अनफुसकुम, ला तलमिजू अनफुसकुम, अपने नफ्सों की लम्ज ना करो। आदमी अपने नफ्स की लम्ज करता है क्या? अपने आप का मजाक उड़ाता है आदमी, अपने आप का ठट्टा उड़ाता है। तो कुरान ने ऐसा नहीं कहा ला तलमिजू गैरकुम, तुम्हारे से अलावा लोगों को ऐसा मत करो। ला तलमिजू अनफुसकुम, अपने नफ्सों की, यानी तुम अपने नफ्स की, अपनी इज्जत को जो मत उछालो। क्या उसरूप है देखो कुरान मजीद का, गोया कि तुम अपने भाई का मजाक उड़ाते हो तो गोया कि तुम अपने नफ्स का मजाक उड़ा रहे हैं, और ऐसा करने वाला फिर उसकी हैसियत कोई बाकी नहीं रह जाती। और इसी में ये भी आ जाती है किसी के अंदाज में बात करते हैं, देखिए किसी के अंदाज में बात करना हंसाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, ऐसे लोगों का माशरे में यानी कोई हैसियत नहीं रह जाती ऐसे लोगों की। बाकायदा दोस्तों अहबाब में ऐसा बहुत होता है, किसी की तरह चल के बतलाना, किसी की तरह हरकत करके बतलाना, किसी की तरह आवाज़ करके बतलाना, ये बदतरीन क्या बोलते हैं हालत होती है उस शख्स की। जो कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नकल कर रहा है उसकी बदतरीन हालत होती है उसकी, मजाक ये करता है वो। हाँ आदमी किसी की नकल उतारता है, मिसाल के तौर पर ये समझता है कि फ़लाँ आदमी बिल्कुल इंसानियत का आला नमूना है, उनकी तरह मैं चलूँगा जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उनके नक्शे कदम पर कोई ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी तरह चलना चाहता है, उसकी तरह पहनना चाहता है, और अच्छी आवाज़ में किसी की नकल करके कुरान पढ़ना चाहता है, ये सब गलत नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, और बस एक माहौल अच्छा करने के लिए, कि लोगों के अंदर की दिलचस्पी पैदा करने के लिए कि वो ऐसे चलता है, वो ऐसी हरकत करता है, वो ऐसी आवाज़ करता है, अगर हमारे घरानों में ऐसा है, हमारे आला औलाद में, हमारे बच्चों में, हमारे दोस्तों अहबाब में, जिन पर हमारा इख्तियार है, सख्ती से नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ की, बदतरीन बुराई यही माशरे की। वला तलमिजू अनफुसकुम, ये सब असल है इसकी, आराज की, अल असल फिल आराज अत्तहरीम। वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलकाब बिसल इस्मुल फुसूकु बादल ईमान वमन लम यतुब فأولئك هم الظالمون। الظالمون قرآن مجید میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے, شرک کے معنی میں بھی, عام ظالم کے معنی میں بھی, یہاں پر عام ظالم ہی مراد ہے, مشرک مراد نہیں ہے جی۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ अभी शेख अब्दुल हसीब उमरी मदनी जो हमारे उस्ताद हैं, वो एक चीज़ कुछ लिख करके भेजे थे वो व्हाट्सएप में, वो इस आयत करीमा के ज़रिए से कहा कि एक आदमी एक दूसरे की गीबत करता है, और जो है यानी गीबत में भी बाज़ गीबत जायज़ हैं, बल्कि बाज़ गीबत वाजिब हैं, वो इमाम नवी रहमतुल्लाह ने जिक्र की हैं, लेकिन बस किसी की क्या बोलते हैं बुराई बयान करने के लिए, बस उसके ताल्लुक से लोगों में अफवाह आम करने के लिए, ये तो बिल्कुल गुनाह है, गुनाह आज़ीम है ये। तो शेख अब्दुल हसीब ने लिखा था माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात थी, वो असल में वो नहीं लिखे थे, किसी से नकल करके लिखे थे। वो बात क्या थी कि क़यामत के दिन आदमी की इतनी बुरी हालत होती है कि किसी भी आदमी के नज़दीक सबसे पसंदीदा लोग कौन होते हैं? उसके माँ बाप, उसकी बीवी बच्चे, कोई और नहीं ना। सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो लोग होते हैं आदमी के, उनको नेकी नहीं देता है वो अपनी, नहीं देता है क्या? नहीं देता है अपने सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोगों को, लेकिन अपने सबसे ज़्यादा ना पसंदीदा लोगों को अपनी पूरी नेकियां देता है वो। जो किसी की गीबत किया है पसंदीदा शख्स होता है क्या उसका? किसी पे इल्ज़ाम लगाता है उसका, उसका पसंदीदा शख्स होता है क्या वो? नहीं, लेकिन उसको देता है अपने गुना, अपने नेकियां देता है वो। अपने जो सबसे पसंदीदा लोग होते हैं बी बच्चे, उनके बगैर वो नहीं रह सकता है, माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता है, माँ बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो उनको अपनी नेकियां एक नेकी भी नहीं देता है, उसे दूर भागते हैं। जबकि अपने सबसे ज्यादा ना पसंदीदा लोगों को अपनी नेकियां उठा उठा के देता है वो, चाहते ना चाहते हुए देता है। अल्लाहुल मुस्तान, अजीब व गरीब बात है नहीं जी। वला यख्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीही
मैतन फकरहतुमु वतकुल्लाह इनल्लाह तवाबुर रहीम। मैं जहाँ तक समझता हूँ तकरीबन समझ में आ गई। एक तो आयतें भी मारूफ हैं, दूसरा अरबी जुबान जानने का भी फायदा है, वो आयतें समझ में आ रहे हैं। ये आयतें हैं, ये मुआशरे की इस्लाह में बहुत अहम आयतें हैं, ये दो आयतें सूरतुल हुजरात की। तो यहाँ पर असल जो है वो, यानी मैं बता रहा हूँ ना कि गीबत है, जासूसी है, ये अपने आप में असल के एतबार से गुनाह है, वरना जासूसी करना कभी कभार तो ज़रूरी हो जाता है, बल्कि एक वाजिबी अम्र हो जाता है। अगर वाकई वो ज़रूरत की बात कर रहा हूँ, गीबत भी, गीबत के माने आते हैं जैसे एक आदमी गायब है, उसकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, उसी को गीबत कहा जाता है, समझ रहे ना। अगर है तो वाकई वो गीबत है, अगर नहीं है तो उस पर इल्ज़ाम है, इत्तेहाम है उसके ऊपर। ये खुद अल्लाह के रसूल ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो असल यही है कि गीबत नहीं करना चाहिए, वरना बाज़ गीबत तो वाजिब है, ज़रूरियात में से है, और बाज़ गीबत ऐसे ही नहीं करने की सूरत में वो हो सकता है उस पर भी उसे गुनाह मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, इमाम नववी रहमतुल्लाह ने पूरी तकसीम बयान की है कि कौन सी गीबत जायज़ है, कौन सी गीबत वाजिब अम्र है, और कौन सी गीबत हराम है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर मना किया है। तो यहाँ पर जो मना वाली बात जो है वो यही, अल असलु फिल आराज़ अत्तहरीम, किसी भी शख्स की इज्जत व आबरू, किसी भी शख्स की इज्जत व आबरू के मामले में असल क्या है? हुरमत। असल चीज़ यही है कि उसे अच्छा समझा जाए, उसे बुरा ना समझा जाए, उसके अपने दिल में उसके तालुक से गलत ख्याल ना रखे। असल के एतबार से असल चीज़ यही है, और आदमी को उसी पे बाकी रहना चाहिए। हत्ता कि एक आदमी किसी से सुनता भी है तो इल्ला ये कि बोलने वाला ऐसा शख्स है जो सादिक है, सिका है, और वो वाकई वो बात बतला रहा है जो है। जैसे उमूमन रिश्ते की बात आती है, रिश्तों की बात आती है, आदमी बोलता है कि उनके मुतालिक क्या बात है आपकी, वो बतलाता है वो गीबत नहीं है, वो ज़रूरियाती चीज़, दीन की ज़रूरियात है, वो समझ रहे हैं आप। तो वो ये नहीं है अल असलु फिल फिल आराज़ या तहरीम, ये बिल्कुल जो है आप वो बुराई बयान कर दिया, आप गलत बयान कर दिया, आप उनकी गीबत कर दी, नहीं, ये सब ऐसा नहीं है। वो हम मुआशरे में ही वो चीज़ें अदा करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है बस कि वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है, इसीलिए उलमा ने तकसीम की उसकी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी बाकायदा अपनी सही बुखारी में किताबुल अदब में कौन सी गीबत हराम है, कौन सी गीबत जायज़ है, अलग अलग बाब कायम किए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। तो एक मुसलमान को किसी भी मामले में असल पे बाकी रहना, उसमें उसकी नजात होती है, उसकी ज़िंदगी फरत बख्श रहती है, सुकून रहता है उसमें उसको। अल असलु फिल आराज़ अत्तहरीम, एक तो ये आयत करीमा है, एक मारूफ हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मालूम है आप सबने कब बात पेश की थी वो? सही बुखारी मालूम है, एक मारूफ हदीस है। कौन बोलेंगे? हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, जैसे कुरान मजीद में नसीहत की गई आम मुसलमानों को कि या अय्युहल लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुन मिन क़ौमिन आसा यकूनू खैरन मिनहुम, या अय्युहल लज़ीना आमनू इस्तनिबू कसीरन मिन अज़्ज़न, वैसे ही एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने नसीहत की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, रोज़ा नहीं समझा मैं, रोज़ा। हाँ नहीं, मुझे हदीस समझ में नहीं मुझे। अच्छा देखिए, एक मारूफ हदीस है। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक से ज़ायद मकामात पर लेकर आए हैं, किताबुल हज में भी लेकर आए हैं। चलिए आप तो बतलाओ कहाँ आ सकती है, क्या है वह? किताबुल हज बोल दिया हूँ जी, आप तो बोलो। बाबुल खुतबती अय्याम मीना, मीना के अय्याम में खुतबा दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चलो आप तो बोलो ना। हाँ नहीं, खुतबा क्या था वो बोलिए, वो तो आ गया ना। हाँ माशाल्लाह, ये हदीस समझ में आ गई बात आपको जी। हाँ, हदीस नंबर है 1739 आज की क्लास में पूरी बात नहीं हो सकती, इसके ताल्लुक से तफसीली बात है, ये अहम मौजू है। ये कायदा फ़िक़्हिया क्यों बनाया गया, इसका कितना इस्तेमाल वो भी है, समझ रहे ना। इसमें इसके इस्तेमाल में भी ज़्यादा तीन होनी चाहिए, नाहक इस कायदे का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए,
इस कायदे के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। यह कायदा कितना इस्तेमाल करना, कब इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैं आने वाले क्लास में बताऊंगा इंशाल्लाह, शायद आज नहीं बता सकूंगा। 1730 पन्नो हदीस का नंबर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और भी बहुत सारे सहाबा इस हदीस के रावी हैं, और क्यों ना हो, एक जम्मे गफीर, एक बड़ी जमात थी सहाबा की, समझ रहे हैं, उसमें एक बड़ी जमात थी सहाबा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर बहुत सारे अहादीस पेश की। मस्जिद खैफ जो मीना के मैदान में है, मालूम है नहीं, जहाँ हम लोग खड़े होकर के बहुत सारी बातें जो मालूम किए, उसी जगह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो है अम्बिया की बड़ी तादाद, अम्बिया की बहुत बड़ी तादाद वहाँ आकर के नमाज पढ़ी उस मस्जिद में, उस मस्जिद में अम्बिया की बहुत बड़ी तादाद उस मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ी है। गरचे के आज मस्जिद वो अपनी नई शक्ल में है, लेकिन उस जगह में मस्जिद थी और वाकई कई यानी कई अम्बिया अलैहिस्सलाम उस जगह में आके नमाज पढ़े हैं जी। मैं इसीलिए वो आदत मेरे जहन में नहीं है, इसीलिए मैं कई बोल दिया, मैं वो आदत मेरे जहन में नहीं है, हालांकि आदत पड़ा था मैं। 70,000 पक्की बात है क्या? अच्छा देखेंगे, आदत मेरे जहन में नहीं है, हाँ इसलिए कई करके बोल के बच गया मैं। हदीस के जो रावी हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और भी सहाबा हैं, मैं जो हदीस पढ़ने जा रहा हूँ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है वो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतबन नास यौम अन्नहर, वाज़े है, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतबन नास यौम अन्नहर फ़क़ाल या अय्युहन नास, समझ रहे आपको, आपको आपको सुनना नहीं समझना नहीं, अक्सर लोग अरबी जुबान जान रहे हैं, आप ऐसे बैठे तो कैसे है, समझ रहे ना, समझ में बात आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अन्नहर के दिन खुतबा दिए, उस खुतबे के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन नास अय्यु यौमिन हाज़ा, ये कौन सा दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम देने का ये भी एक उसलूब, पहले सवाल करना, फिर लोगों के अंदर की जो सलाहियत है उसको जगाना, उसका इस्तेमाल करना कि कौन बोल रहे हैं कौन नहीं बोलेंगे, उसके ज़रिए से काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं। एक फ़ायदा यह होता है कि लोग मुतवज्जा हो जाते हैं, एक फ़ायदा यह होता है कि लोगों को ना भी मालूम हो तो कम से कम सवाल पे गौर करेंगे, एक फ़ायदा यह भी हो जाता है कि जिसको मालूम है वो बोल देगा, समझ रहे हैं जी। अय्यू बल अय्यू यौमिन हाज़ा क़ालू यौमुन हराम क़ाल फअय्यू बलदिन हाज़ा, बलद शहर को बोलते हैं, فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا شهر के माने महीना, فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया فإن دماءكم دماء के माने खून, فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم देख रहे व अराज़कुम, ये व अराज़कुम ये लफ्ज़ सही मुस्लिम में नहीं है, सही बुखारी ही में है, सिर्फ ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ। हाँ यौम अन्नहर के दिन खुतबा देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक ही खुतबा नहीं था आपका, आपने एक से ज्यादा मरतबा खुतबा दिए हैं। उस खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व अअराज़कुम असल में उसके बाद वो सारी चीज़ें हैं, हरामुन अलैकुम तुम्हारे ऊपर हराम है, का हुरमत यौमिकुम हाज़ा और का हुरमत बलदिकुम हाज़ा, समझ रहे ना, इस दिन की हुरमत की तरह, इस शहर की हुरमत की तरह, इस महीने की हुरमत की तरह। व अअराज़कुम अलैकुम हरामुन का हुरमत यौमिकुम हाज़ा, और
उसी में आगे नीचे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बात फरमाए कि ला तरजिऊ बादी कुफारा। कल सही बुखारी में पढ़ेंगे, इस वजह से हजरत वदा के मौके पर ही कहा था उन्होंने, ला तरजिऊ बादी कुफारा यज़रिबु बअज़ुकुम रिक़ाब बअज़। ये भी उसी वक्त कहे थे आप सल्लम, जो अभी फिलहाल जो हदीस पढ़ रहे हैं हम सही बुखारी में बाबुल इंसात लिल उलमा, उसमें यही लफ्ज़ है हदीस का। जी अच्छा, बात समझ में आ गया आपको। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जब सारे मुसलमान इकट्ठे थे, सारे मुसलमान जमा थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों को बयान करने के लिए इंसात कराए यानी खामोश कराए, यानी बस सहाबा को खड़ा किए कि जाके लोगों को खामोश कराओ। तो इस्तेमा और इंसात में फ़र्क मालूम है नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी कार ड्राइव करते रहता है, उमूमन हम देखते हैं लोगों को, और कुरान जो है चालू करके रखते हैं, कुरान सुनते रहते हैं, उसको बोल सकते हैं इस्तेमा, उसको इंसाफ नहीं बोलते। उसको इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि आदमी बगैर किसी हरकत के खामोश उसकी तरफ तवज्जो होकर सुने, उसकी तरफ देखते रहे। समझ रहे हैं? अभी मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हैं, या बोल रहा हूँ या उधर देखते हुए, लेकिन सुन रहे हैं, लेकिन इंसाफ में वो बात नहीं आती, इंसाफ में वो बात नहीं आती। इसीलिए जुमा के खुतबे के लिए सब इंसाफ, उसमें लिखना पढ़ना सब नहीं, इधर उधर देखना नहीं, आगे टिकटिकी बांध के देखते रहना बस। बस समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? हाँ, एक हदीस है, एक और हदीस है, चलिए वक्त है तो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, बड़ी अहम हदीस है। ज़रा यानी सुनन अबी दाऊद सुनन तिर्मिज़ी ले लीजिए, वक्त नहीं है। जाहिर बात है लगा के बरकत के लिए नहीं, वो चलता रहेगा। हाँ, दुकानों में बातचीत, दुकानों में घरानों में भी बातचीत होती रहती है, सब कुछ डालना है डाल के सुने, आधा घंटा ही सही, 10 मिनट ही सही, वो चलता रहे हमारा काम। अमूमन क्या खुसूसन में ऐसी है सो। जी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अच्छा, कायदा तो वाज़ेह हुआ। हाँ, तफसील कर।